देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुसीबत में फंसे बाजरे की खेती करने वाले किसान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के सामने किया जमकर प्रदर्शन। असमंजस में तेलंगाना के कृषक, धान पर रोक के बाद अब किस फसल की होगी खेती। 3 लाख से ज्यादा किसानों की समस्या हल करके यूपी बना नंबर वन, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। राजस्थान में देश का 41% बाजरा होता है। इस बार बंपर पैदावार और 2150 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद तो कम से कम किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन मंडियों में बाजरे के 900 रुपए प्रति क्विंटल भी दाम नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान में इस बार बाजरे की बंपर पैदावार हुई है और केंद्र सरकार ने 2150 रुपए MSP भी तय किया है। बावजूद इसके बाजरे का कोई खरीदार किसानों को नहीं मिल रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी किसानों के घाव को कुरेदते हुए राजस्थान से आने वाली बाजरे की फसल को इस बार खरीदने से इनकार कर दिया है। वैसे तो कांग्रेस के नेता देश भर के किसानों को हक में बयान देते हैं और किसान आंदोलन का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं, और यही नहीं दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञान बांटते देखे जा सकते हैं। लेकिन जहां पर खुद इनकी पार्टी सत्ता में है, वहां के किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं और उनकी सुध लेने का इनके पास कोई समय तक नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश भर के बाजरा उत्पादक किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास के पास ऊंट से प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। इन किसानों का कहना है कि MSP पर खरीद नहीं होने से उन्हें प्रति क्विंटल 900 से 1000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन 24 खाद्यान्न फसलों के लिए MSP निर्धारित किया है उसमें बाजरा का नाम भी शामिल है, फिर भी राजस्थान में MSP पर इसकी खरीद नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार की शर्त है कि वो तभी MSP पर इसे खरीदेगी जब राज्य सरकार PDS में गेहूं के बदले उससे बाजरा लेगी, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र सरकार इस बाजरे को खरीद कर इसका क्या करेगी, क्योंकि जब उत्पादक राज्य ही इसका उपभोग नहीं करना चाहता तो अन्य राज्य इसे क्यों लेंगे। दूसरी वजह ये भी है कि राजस्थान में करीब 24 लाख टन का उत्पादन होता है, इसमें खाने की जरूरत 5 से 7 लाख टन से ज्यादा नहीं है, यानी कि 20 लाख टन बाजरा सरप्लस है। अब राज्य सरकार यदि इस नुकसान की भरपाई करती है तो उससे 2000 करोड़ रुपए चाहिए, और ये बोझ राज्य सरकार खुद उठाना नहीं चाह रही है, मगर घूम फिर कर नुकसान फिर से किसानों का ही होना है। तेलंगाना सरकार के एक फैसले से राज्य के किसान सोच में पड़ गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने रबी सीजन में धान की खेती करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। धान के बीज बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं, और यही नहीं चंद्रशेखर राव की सरकार ने ये फैसला उस वक्त लिया है जब धान की खेती का काम शुरू होने ही वाला है। किसानों ने इसकी सारी तैयारियां भी कर ली थी, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आखिर करें तो करें क्या। ये फैसला इससे भी चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य में धान की खेती को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि किसान जमकर धान की खेती करे, सरकार सारा का सारा धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेगी। इसके बाद राज्य में धान का रकबा बढ़ता गया, मगर अब सरकार अपने बयान से पलटती हुई नजर आ रही है। वहीं राज्य सरकार ने अपनी सफाई में कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने वाली केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने रबी सीजन के दौरान उत्पादित धान के स्टॉक को खरीदने से इनकार कर दिया है। इसी वजह से तेलंगाना सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। वहीं किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने ऐसे समय में ये फैसला लिया है कि हमारे लिए मुश्किल बढ़ गई है। किसानों ने कहा है कि अगर सरकार को ये फैसला लेना ही था तो हमें पहले से ही बता देना चाहिए था, यहाँ हमें कम से कम 1 साल का समय दिया जाता। और यही नहीं, किसानों ने ये भी कहा है कि अगर हम धान के अलावा किसी अन्य फसल की खेती करते हैं तो समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद की गारंटी कौन देगा। उत्तर प्रदेश के 3,70,000 से ज्यादा किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये वो किसान हैं जो दस्तावेजों में गड़बड़ी और बाकी छोटी मोटी तकनीकी गलतियों के कारण अब तक पीएम किसान स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो इस तरह एक साथ इतनी बड़ी संख्या में किसानों की समस्या का समाधान करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार की सराहना भी की है। बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार नंबर जरूरी है, मगर कई किसानों का आधार नंबर गलत होने के कारण या नाम सही नहीं होने के कारण बहुत से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा बैंक रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण भी बहुत से किसानों का पेमेंट रिस्पांस पेंडिंग था, तो कुछ के पेमेंट फेल हो रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार ने एक विशेष अभियान चलाकर जल्द से जल्द किसानों की न सिर्फ इन समस्याओं को सुना है बल्कि उनका हल भी निकाला है। इस तरह कुल 370,085 शिकायतों में से अब महज 1158 मामले ही लंबित बचे हैं। इससे पहले भी पीएम किसान योजना को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। यहां 2,54,00,000 से ज्यादा किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश में इस साल बारिश अच्छी हुई है। कई राज्यों में बारिश ज्यादा होने के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, पर इस बीच राजस्थान के 12 जिलों के 69 तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर, बीकानेर के साथ ही पाली समेत अजमेर जिले की तहसीलों में कम बारिश होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33% या इससे ज्यादा नुकसान का आकलन किया गया है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ 2021 फसल के दौरान सूखे से ग्रस्त हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए राहत गतिविधियां चलाने और प्रभावित किसानों को एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट और सब्सिडी बांटने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इस बार धान की फसल को सुरक्षित बचाना चुनौती का काम हो गया है। क्षेत्र में इस साल अच्छी बारिश हुई, इसलिए किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, मगर फसल पकने के बाद कीट के प्रकोप ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिंता और मायूसी में डूबे किसान अब परेशान हैं। दरअसल भूरा माहो नाम की बीमारी ने एक ही रात में किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने इस बीमारी की जानकारी होते ही दवाई का छिड़काव किया, लेकिन ये दवाइयां भी अब भूरा माहो पर असर नहीं कर रही हैं। किसानों ने बताया कि 25% फसल पहले ही खराब हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक आसमान में छाए बादल की वजह से तापमान में गिरावट और नमी है, इस कारण से भी माहो बढ़ रहा है। अगर इस बीच बारिश एक बार फिर हो जाए तो किसानों का नुकसान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिहार में इस समय भयानक बारिश और बाढ़ के कारण लाखों किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसीलिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सहायता का ऐलान किया है। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। ये राशि 1,000 रूपए से 18,000 रूपए प्रति हेक्टेयर तक होगी। इसके लिए सरकार सभी जिला प्रशासन से इनपुट मांग रही है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक राज्य के 30 जिलों में बाढ़ अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार मुसीबत की घड़ी में बिहार के प्रत्येक किसानों के साथ खड़ी हुई है। प्रभावित सभी किसानों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फसल क्षतिपूर्ति में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।